प्रेरित करने में मौजूद है। इसी विश्वास से हम इतना बड़े कि समाज के ऊपर भारतीय समाज में हिंदू समाज में अपने चिंतन में ही दान करने का एक अच्छा संस्कार हमें हमारा संस्कृति दिया है। कोई बाहर के आदमी आके चैरिटी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस समाज में ऐसी एक भक्ति है, वो भक्ति परंपरा से जो दान मिला है उससे हजारों साल जितने सारे धर्मशाला चले, देश भर में जितने सारे अच्छे काम चले, समाज के ऊपर निर्भर होके चले। तो सेवा भारती का एक मूल एक विचार है, भारतीय समाज का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके ऊपर आधार करते हुए जनता के साथ जाके उससे जो अपने को दान मिलता है उससे काम करना, ऐसे एक विश्वास से हम चले। पहले थोड़े कार्यक्रम से शुरू किए, अभी बढ़ता गया और एक बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन देश में हैं, हम भी इसमें एक हैं, हमसे भी अच्छे काम करने वाले बहुत सारे हैं। पर अपना एक एक उद्देश्य है, जो भी काम करे जहाँ पर भी कुछ बेनिफिशियरी आए, कुछ गरीब लोग आए, कुछ कोई भी आए, किस तरह के बेनिफिशियरी हो उनको बेनिफिट के साथ साथ इस देश के ऊपर इस धर्म के ऊपर श्रद्धा बढ़ाने का हमारे दायित्व बोल के मानते हैं। दूसरा, जो बेनिफिशियरी देते हैं वो भी अपने पैर पे खड़े होकर कुछ समाज के लिए कुछ करना, वो भी कुछ करना, ऐसे वो भी एम्पावर्ड हो, सो दैट एम्पावरमेंट में रिजल्ट इन बिकमिंग इन गिविंग इन giving him some support from his side to the society also. That's the approach we have for the entire service activities. And wherever we plan any activity, even in this locality, we don't plan with funds and everything, with a big plan. We go very spontaneously. We start all the projects spontaneously. If it is a call, inner call from anybody, we will give a shape to the whole thing. Then we have a experience that society associates with that in a big way. In Hyderabad, Many of you might have visited one of our orphanages. Many orphanages we run in Telangana, around 18 we run. One is there in Vaidehi Ashram. We have 150 girl children there. 50 got married. And all the 50 married girls, they had kanyadan. Some family adopts them. So that is the concept. Now that we don't say anything as orphanage, so we call it at Vaidehi Ashram. Sita Mata ke naam se Vaidehi Ashram. वात्सल्य सिंधु बताए, संघमित्र बोले, तो ऐसे नाम कभी जो बच्चा आता है अपने ही परिवार का मान के हम चलते हैं, तो वो घर में जीवन में स्थिर बने, उधर तक उसको लेके जाना, ऐसा अपना एक विचार है। तो कौन सा भी काम करे तो पूर्ण करना, बीच में छोड़ना नहीं, छोड़ के फिर उसका रिजल्ट नहीं दे, लॉजिकल एंड तक लेके जाना, इस विचार से हम काम करते रहते हैं। तो किस तरह के इंसिडेंट्स आते, एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, इट टचेस अ लॉट why I'm narrating it that instant is that generally we get a feeling of doing something, some good for the society. Then our reasoning for self will come up and say, if at all I do also in a big change will come. The government should take over, they should do like that. All good thoughts are generally left over. We don't carry that. But our experience is in a way, different way. Kabhi bhi ek achha kaam ke man mein sankalp aaya, uska agar kuch achha shuruaat hua, तो बहुत बड़े काम हो सकता है, ऐसा हमारा विचार है। मैं एक बताता हूँ कि कड़पा जिला में एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट के समय माता पिता दोनों मर गए एक्सीडेंट में, दोनों छोटे बच्चे थे। जो बाहर से जा रहा था वो दृश्य देख के उसके मन में एक पीड़ा लगा, आत्मा का आवेदना रहता है, सबके अंदर आत्मा रहता है, एक संवेदना आता है। तो उससे वो आदमी क्या सोचा, मैं क्या कर सकूँ, तो उसको एक विचार पहले आए कि एक ऑर्फनेज सेवा भारती चलाता है संघमित्र बोल के, उसका नंबर उसको पता था, तो हमें एक फ़ोन किया, हमारे जो इंचार्ज है उधर बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स का नहीं, इसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा सोचा बॉयज़ हॉस्टल होगा तो गर्ल्स का भी कुछ दूसरी जगह मैं जाके कनेक्ट हो गया। वो उधर गया, वो दोनों को उधर रोड से भी हैव अडॉप्टेड एंड फ्रॉम द एक्सीडेंट साइड वी टुक ओवर द चिल्ड्रन। सो गर्ल्स हेड जो थी वो 5 साल की बच्ची थी, सो हम इधर हैदराबाद लाए वो बच्ची को। वो बच्चा था उसमें संगमित्र बोल के नंदियाल में उधर रख दिए। ये बच्ची आने के बाद पढ़ाई होगा, शिशु मंदिर में पढ़ी, थोड़ी मातृभाषा में पढ़ी। डिग्री होने के बाद जब विवाह का विषय आया था, एक प्रपोजल आया, तो जो बच्चा प्रपोजल लेकर आया हो, ही इज वर्किंग इन टोक्यो एंड इज वर्किंग विद IBM, ही इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद। So he came with the proposal that I will marry an orphan girl. I got that thought. Noble idea. So we all appreciated. Their parents were, both parents were from ECA.
and mother is a principal here, he is an officer, father is an officer. तो तब आया तब बात शुरू बातचीत हुआ तो हमको चाहे अमेरिका भेजने के लिए डर लग रहा आजकल तो टोक्यो कहाँ से भेजना टोक्यो में तो कोई भारतीय नहीं रहता किनसे संबंध लगाना तो बोले नहीं मेरे को इच्छा रहा है सर तो मैं उनसे पूछा कि आप विवेकानंद तो कुछ पढ़े ना तो कुछ धर्म धार्मिक संस्था के संबंध में वो बोले मुझको कोई ऐसे कुछ नहीं बैकग्राउंड नहीं फिर आपका प्रेरणा क्या है बोले तो बोले मेरे माता जी वो बोलते माता जी साथ में थे तो हम बोले माता जी आपका आप ही बोले आप प्रेरणा बोले आप क्या बोले तो बोले ये जब जन्म हुआ था इसका उसी हॉस्पिटल में एक ऑर्फन गर्ल को देखा था उसका भी जन्म गया था तब मेरे को मन में इच्छा आया कि वो ऑर्फन गर्ल को मैं पाल लूँ तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह कोई भी इंकरेज नहीं किया तब से मन में चल रहा कि एक बार एक काम कर छोड़ तो किससे काम करना तो मैं बच्चे को सिखाया तुम तो कर बिल्कुल यही प्रेरणा मिली देन शी गर्ल गॉट मैरिड और ये बच्चे जो इतने गरीब परिवार से आए ऐसी स्थिति में आए आप देखिए जो गरीब में हैं जो बहुत कष्ट में रहते हैं उनका एक भगवान का एक स्ट्रेंथ देता है इनर स्ट्रेंथ देता है वो कभी कभी अपने को भी नहीं आता है तो उसमें से उभर के आए बच्चे तो शी टुक कोर्सेस इन जापानीज लैंग्वेज शी कम्प्लीटेड द कोर्सेज विद इन सिक्स मंथ्स देन शी वेंट टू टोक्यो सो शी बिहेव्ड इक्वली विद कॉन्फिडेंस विद द अदर गाय तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बोलता हूँ जो देखा उसमें जब मैं जब मन में आया कि कुछ करना अगर वही उधर छोड़ देता तो बच्ची इधर तक नहीं आती तो हम आपके चला रहे वो विशेष तो जनता के अंदर अपने मन में कहाँ पर भी कुछ भी अच्छी भावना है उसका अगर शेप दिए तो उसका लॉजिकल भगवान देगा ऐसा एक विश्वास के साथ सभी हमारे प्रोजेक्ट जो है इस तरह के एक्सपीरियंस हम स्टार्ट करें और समाज के ऊपर निर्भर होकर स्टार्ट करें इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चलाते हमारे विचे वी आर नॉट कन्फाइंड टू वन डोमेन नॉट एजुकेशन नॉट एनीथिंग वॉट एवर इज द नीड वी गेट इन टू इट एंड ट्राई टू गिव इट अ शेप दैट्स हाउ वी गेव अ शेप टू शेल्टर होम एट गांधी हॉस्पिटल एवरी डे बहुत पुअर पेशेंट्स गांधी हॉस्पिटल आते हैं उनको डायरेक्शन नहीं मिलता इसीलिए गांधी हॉस्पिटल में शिवानंद आश्रम हमारा पूरा बिल्डिंग दिया अभी 300 लोग रहने का व्यवस्था किए उधर जो पेशेंट्स के केयर टेकर है पेशेंट रजिस्टर होने के बाद उसके केयर टेकर से उधर ही रहते हैं 10 रुपये में सुबह अल्पाहार भोजन रात का भोजन और रहने का स्थान और एक 27 फुल टाइमर्स लगाए 24/7 जो कोई गरीबी आत्मा आता है उसके लिए गाइडेंस देने के लिए फुल टाइमर्स काम करते हैं और चेयर्स वगैरह सब व्हील चेयर्स वगैरह सब प्रोवाइड किए ऐसे गांधी हॉस्पिटल के अंदर नीट था स्वामी जी बोले तब वो ले लिए तो हमारा एक विचार है कि जो संघ से शिक्षित है सेवा भारत शिक्षित है समाज के अंदर अच्छा काम करने बहुत सारे युवक आज बाहर आ रहे हैं उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना बहुत प्रशिक्षण देना छोटा काम खड़ाना वो काम खड़ाने के बाद पूर्ण विश्वास है समाज का भागीदारी रहेगा प्रोत्साहन देगा ऐसा हमारा विश्वास है उसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ना और इतने काम करते हुए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की ओर देखना आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और जो सोसाइटी से वो आया उसके अंदर भी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना और अनरीच पीपल के पास ज़्यादा रहना हमारा एक ऐसा उद्देश्य है तो बाहर बड़ा हॉस्पिटल बनाना बड़ा विजिबिलिटी लगाना ऐसा इच्छा नहीं बहुत अंदर जाके काम करने का इच्छा इसीलिए इस क्लब में आए अब राजेंद्र जी आप अच्छे टेक्नोक्रेट है इस देश से हम इनको पूछे थे आप बोले सबको मैप करें बोले जैसा मैप करते गए तो बहुत गरीबी है नीचे गरीबी है कि इंडिया बहुत डेवलप होता होगा है डेवलप्ड कंट्री है पर जानकारी रहना चाहिए बहुत गरीबी देश में रहता है हमारे हिसाब से जनरल ऑर्फन्स ही देश में 2 करोड़ ऑर्फन्स रहते हैं देश में 2 करोड़ ऑर्फन्स आते हैं थिंक वेन मदर इज नॉट देयर एंड चाइल्ड पेरेंट्स आर नॉट देयर चाइल्ड इज ऑन द स्ट्रीट थिंक ऑफ द फेट ऑफ द गाय एंड व्हाट ट्रॉमा ही माइट बी गोइंग इन हिज ओन लाइफ सो इट्स आवर ड्यूटी इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द पुअर पीपल ऑफ दिस नेशन देन ऑन वी कैन क्लेम दैट इंडिया इज ग्रेट एंड वी बी प्राउड ऑफ इंडिया So the pride of India should inculcate this kind of service activity also. It is part of us and we should not open our hands and beg with other countries or other charitable institutions. Let us work for ourselves. This is our concept. With this concept, with this idea, with this vision, with this conviction, we are working for this nation. I am very, very, very happy for all you are coming here. You see, many times donors will not come here. They just give donation. They don't see the activity. When you see it, actually, you will be part of it. I'm very much hopeful that other activities which we are going to take up. We have this building as a base, that's all.
It's not everything for us. We want to reach out to the society, and most deserving people we want to locate. We want to conduct a survey where we could find the real beneficiary, real needy person, then we want to reach out to him. This building will act as a base for us. So this much introduction I wanted to give.